इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर में आज डेंटल यूनिट की स्थापना की गई, जहां डेंटल यूनिट का शुभारंभ डीसीआई मेंबर डॉक्टर ममता सिंह और एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल और रिसर्च सेंटर लगातार अपने मरीजों को उचित इलाज प्रदान करने के लिए सराहनीय कदम उठाता रहा है। इस स्वास्थ्य स्थान का प्रमुख उद्देश्य यही है कि मरीजों को यहाँ पर बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट उपलब्ध होता रहे। वहीं शनिवार को इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डेंटल यूनिट की स्थापना की गई, जहां डेंटल यूनिट के शुभारंभ के साथ ही अब मरीजों को दांतों के संबंधित स्क्रीनिंग और सुविधाएं भी एक ही जगह पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया ने बताया कि इंडेक्स ग्रुप के द्वारा पहले से ही इंडेक्स डेंटल कॉलेज संचालित किया जा रहा है, जिसमें 100 सीटें उपलब्ध हैं। डेंटल कॉलेज के 6 डिपार्टमेंट में एमडीएस सीट्स और डेंटल मैकेनिक्स की सीट्स भी उपलब्ध हैं। मरीजों को हॉस्पिटल में एक ही जगह सभी तरह की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाएं, इसी को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में डेंटल यूनिट की स्थापना की गई है। शुभारंभ के इस अवसर पर इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया, वाइस चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जीएस पटेल, डायरेक्टर आर एस राणावत, एडिशनल डायरेक्टर आर सी यादव, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय सिंह ठाकुर, इंडेक्स डेंटल कॉलेज से डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, डॉक्टर दीप्ति सिंह हाड़ा, डॉक्टर पूनम तोमर राणा, डॉक्टर नवनीत अग्रवाल, डेंटल कॉलेज के प्रोफेसर व अन्य स्टाफ मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।